तो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन एट एन एलिफेटिक mm. ट्राइगोनल कार्बन ठीक है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्राइगोनल कार्बन क्या होता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एस पी टू होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल कार्बन ठीक है तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें जिसमें एस पी टू कार्बन यानी ट्राइगोनल कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जैसे ये है ठीक है ट्राइगोनल कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है ठीक या ट्राइगोनल कार्बन के साथ सल्फर जुड़ा है ट्राइगोनल कार्बन मतलब एसपी टू कार्बन के साथ यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर जुड़ा है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू होती है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले कि ये एडिशन एलिमिनेशन जो रिएक्शन है या मैकेनिज्म है ये क्या होती है ठीक है सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है यहाँ पर मैंने कोई सा हेलोजन लगा दिया यानी लिविंग ग्रुप लगा दिया ठीक है तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होती है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है इस पर पॉजिटिव होता है तो ये कहाँ पर अटैक करेगा इधर प्रोटेक्ट करेगा अभी मैकेज में नहीं बता रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ मैकेज में अभी बताऊँगा ठीक है तो क्या बन जाएगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा यहाँ पर सी ओ पर क्या आएगा माइनस ठीक है यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या आएगा एन यू आएगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये वाला बॉन्ड यहाँ को टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ को टूटेगा तो क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद क्या एन यू तो आप देख सकते हो पहले स्टेप में क्या हुआ एडिशन हुआ दूसरे स्टेप में क्या हुआ एलिमिनेशन हुआ तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं ठीक है थीके? तो अब एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं इसको मैकेनिज्म अब ये जो मैकेनिज्म होती है इसकी वो नॉर्मली एसिड कैटेलाइज होती है एच प्लस की में होती है क्योंकि जैसे ही हम लोग एच प्लस से इसको प्रोटोनेशन करेंगे जैसे ये होगी यहाँ पर एक्स लगा देता हूँ प्लस एच पॉजिटिव तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी देखो रिएक्शन फास्ट कैसे हो जाएगी इसका जो लॉन्ड पेयर है ये अटैक करेगा इस पर अटैक करने से क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या आएगा एच और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ठीक है थीके? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सी पर पॉजिटिव है यहाँ पर भी सी पर पॉजिटिव है ठीक है और यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो जहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है मतलब उसको उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा इससे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली uh, करेगा जिससे इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन के कंपेयर में इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ठीक है जिससे न्यूक्लियोफाइल इसके कंपेयर में इसमें फास्ट अटैक कर सकता है ठीक है तो एच प्लस तभी हम लोग जो भी ये रिएक्शन होती है उसको एसिड कैटेलाइज्ड यानी एसिड की में करते हैं जिससे इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है जिससे न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक कर देता है ठीक है तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होगा देखो प्रोटोनेशन होगा क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं एस प्लस इसके जो लॉन्न पेयर है इस पर अटैक करेंगे तो प्लस आ जाएगा इस पर और किस पर ऑक्सीजन पर क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये हो गया एस प्लस ओवर प्लस सॉरी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसको हम लोग ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं देखो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज्यादा होता है ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन की तरफ भी बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इससे इस कार्बन पर प्लस चार्ज और ये न्यूट्रल होकर चले जाएगा इस पर न्यूट्रल हो जाएगा ठीक है अब पहला अब आएगा पहला स्टेप अब इस स्टेप में क्या होगा न्यूक्लीफायर पर नेगेटिव है ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा ऐसे करेगा ठीक है तो ये बन जाएगा हमारा उसके बाद क्या होगा जो ऑक्सीजन पर पेयर है देखो तो ये सी एल एस सी एल क्योंकि सॉरी जो एक्स है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये इसकी टेंडेंसी होती है कि यहाँ से लीप करे जैसे ही यहाँ से लीप करेगा तो इस कार्बन पर, पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से पेयर आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक्स नेगेटिव बाहर हो गया ठीक है एक्स नेगेटिव बाहर हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर आर सी एन यू और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका डिप्रोड्रेशन हो जाएगा एक ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा जिससे ये प्रोडक्ट बन जाता है ठीक है और जो ये रिएक्शन होती है वो सेकेंड ऑर्डर कैनडिक्स को फॉलो करती है तो बहुत ही सिंपल सी है बहुत छोटी सी रिएक्शन है